हाँ जी, अज जिहड़ा पंजाब सरकार वालों सिविल वैटनरी हॉस्पिटल दसूहा विखे जागरूकता कैंप लगाया गया डॉक्टर जसपाल सिंह ते उन्हां दे समूह स्टाफ वालों बड़ी मेहनत दे नाल इह स्टाफ दा ऑर्गेनाइज किया है, नाल जिथे साडे सारे किसान भरा आए ने उहदे विच, ते पंजाब सरकार वालों ये सारी मुहिम शुरू की गई है कि जिथे अजे तक तो साडे चलो इदां दा कोई बहुता ज़्यादा केस नहीं आए, पर किसानां नूं जागरूक करना बहुत जरूरी है, जिहड़े पशु पालदे ने उहनां नूं जागरूक करना बड़ा जरूरी है कि ये बीमारी तो किदा अपने पशुओं को बचाया जा सकता, वो वास्ते अज जागरूकता कैंप भी लगा। पंजाब सरकार वालों 76 लाख की जी रकम आख जिले दी गई है, जिद दवाई लैके पशुओं लगाई जाएगी। जी सर कह रहे हैं कि एंटी जो मतलब कि एंटीडोज नहीं मिलन दिया वायरस का बहुत घट मात्रा चा, बारे सरकार के की उपराले? सारे जो डॉक्टर है जिदा जिते डॉक्टर साहब ने दसिया कि चलो ठीक है, हर बीमारी का जो पता लगता उस तो बाद ही दवाइया बन दया, पर फिर भी सरकार के जेडे स्पैशलिस्ट ने डॉक्टर उन्होंने अपनी राय के नाल जी दवाई आई हुई है, तो उन्होंने दसिया भी है कि उपाय जरूरी नहीं कि दवाई नाल ही होने, आपां भी सरकार का सहयोग जिमीदार भरावां नूं भी करना चाहिए कि सफाई रखनी चाहिए है, अपने जिहड़े पशु है उन्होंने साफ पानी पिलाना चाहिए, होर जिहड़ियां बचाव वास्ते उन्होंने दसियां गईयां ने, सो अपना भी सहयोग बहुत जरूरी है जे आपां सरकार का करना चाहिए, तो यही अज इस करके जागरूकता कैंप का ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी, अज ही मैंने पता लगा जी कि कुछ फार्मासिस्ट साडे जिहड़े भरा आ स्ट्राइक पर गए, उन्होंने आप रिक्वेस्ट की है कि जिहड़ियां तुहाडियां डिमांड्स होणगियां वो आप आउंदे समें दे विच जरूर सरकार तक पहुँचावांगे, क्योंकि ये जिहड़ा समां है ये बड़ा औखा समां है साडे किसान भरावां वास्ते, उन्हां दा जिहड़ी इन्हां दी लोड़ है डिपार्टमेंट नूं, ते घट्टो घट्ट जिहड़े 10-15-20 दिन हैगे इहदे अपनी ड्यूटी आ गए निभाउण, उस तों बाद जिहड़ी ये इन्हां दी जायज़ मंगां होणगियां आपां सरकार तक पहुँचा के उन्हां दा हल करवाउण दा यतन करांगे। देखो जी पाकिस्तान तों चली है ते मच्छरां राही ते होर जिहड़े इनसैक्ट बॉर्न इनसैक्ट वैक्टर है जिहड़े उहदे नाल, क्योंकि आपां बॉर्डर नूं उदां तां रोक सकदे बंदे नूं इधर उधर, तां मच्छर नूं तां नहीं रोक सकदे, मच्छर तां फ्री है भी जिथे मर्जी जा सकदा, सो उत्थों इह साडे लहिंदे पासे आई आ मालवा बैल्ट च आई आ, ते मच्छर बड़ा फलाई करता रहिंदा, कीड़े मकौड़े अदरवाइज भी बरसात के मौसम जिहड़े वधदे आ बहुत, इन्हां दी ग्रोथ बड़ी वधदी आ, मच्छर हो गए मक्खी हो गई एनीमल्स नूं टिक्स लगदे आ जिहड़ियां चिचड़ियां जिहनूं कहिंदे आ, सो जदों एक बीमार पशु तों जिहड़ा उहदा खून पी के जिहड़े इनसैक्ट दूसरे पशु नूं फिर बाइट करदे आ ते उहदे नाल बीमारी एक तों दूजे नूं फैलदी आ, गाइयां विच ज़्यादा फैलदी आ। एक पिछे स्टडी हुई आ, उह कहिंदे वी देसी गाइयां होण ते चाहे वलैती होण मतलब दोनों की काफ़ी बराबर का लगभग इफेक्ट आ रहा, तो मझा जिहड़ियां वो थोड़ियां रेजिस्टेंट है इस बीमारी नूं। इलाज की गल करिए वायरल डिजीज आ, वायरल बीमारी किसी का भी इलाज नहीं हुंदा, नो डाउट एंटी वायरल ड्रग्स हुंदियां पर फिर भी उन्होंने वो बड़ी घट कारगर हुंदियां, सो कहिंदे ना सियाणे भी इलाज नालों परहेज चंगा, सो जिहड़े आही जिहड़े वैक्टर्स है मच्छर मक्खी एंड टिक्स इन्हां तों आपां बचा कर लईए, जिथे भी वाटर बॉडीज है उत्थे स्प्रे करिया करिए चाहे मिट्टी के तेल का जां होर जिद्दां भी आपां बचा कर सकते हैं, इद्दी एनिमल्स के उत्ते इनसैक्टिस जिहड़े हुंदे आ इनसैक्टीसाइड्स वगैरह विद इन लिमिट्स जो जुडिशियस जिन्ना यूज करते हैं, तो वो एक मेरा परसनल तजर्बा भी जिहड़े मच्छर वगैरह ना जिहड़े हैगे इदा वैक्टर्स ये रात में जो पूरे शांत होंगे पशु रात 11 बजे का 12 बजे का समा उस वेले पशु तो बहुत अटैक करते हैं, सो रात में उठ के एक बार एमरजेंसी एकदम लाइट जगा के स्प्रे जरूर करना चाहिए, वो तुम देख भी सकते हो कि किन्ने एनीमल चिंबड़े हुए हैं, वह इलाज कर लो तो आप बचा कर सकते बीमारी को फैलन तो आप रोक सकते हैं, तो इलाज वास्ते वैसे तो वायरल का नहीं है कोई, पर फिर भी सिम्पटोमैटिक आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिवें एलर्जी जी हो गई है उसके लिए एंटी एलर्जिक दवाई हो गई, एवन हो गई बुखार आता नावलजिन वगैरह मेलोमैक्स वगैरह हो गया, तो साढ़े कई नियम हकीम अजकल बन गए इस बीमारी के आने वो एंटीबायोटिक्स पहले दिन तो शुरू कर देंगे, और हालात इदा के पहुँच रहे भी अज सारे पंजाब दवाइया नहीं मिल रही, सो डॉक्टर की सलाह ना एक जुडिशियस यूज करना चाहिए, एक एक लैवल तक ही यूज रखना चाहिए दवाइया का। सरकार वालों साडे जिले में कोई 4000 डोज जी वैक्सीन की प्राप्त हुई है, तो असं बड़ी दुविधा चाह हूँ सारे लोग साडे तो भरते हैं भी साडे वैक्सीन कर दिओ साडे वैक्सीन कर दिओ, पर एक प्रिंसीपल हुंदा भी जे
हार्ट दे विच डिजीज आ गई है, एक जे घर दे विच डिजीज आ गई है, जां जिहड़े एनिमल नूं हो गई आ उहदे वैक्सीन नहीं लगाया जांदा, क्योंकि वैक्सीन जिहड़ा उह भी मतलब ये बीमारी के कटाणु होंगे उहदे विच बीमारी यह वजूगी, तो मच्छर भी होंगे घर च। सो अहीं सानूं डाउट हुंदी भी एक बीमारी वाले पशु का खून पी के दूसरे पशु नूं भी बाइट किया होगा और दूजे जिहड़े एनिमल आ उह लेटेंट फेज विच होणगे, मतलब बीमारी दा निशानियां नहीं आईयां पर बीमार ग्रस्त होणगे, उहनां नूं भी जिहड़ी वैक्सीन की लोड़ नहीं है। सो बहुत काले बैंड की लोड़ नहीं, हौली हौली जिहड़े जिहड़े एनिमल हैल्दी है जिन्हां नूं बीमारी अज तक नहीं हुई सिर्फ उन्हां नूं वैक्सीनेशन इह रिकमेंडेड है। और नवीं बीमारी आई है एग्जैक्टली इहदी वैक्सीन नहीं है, जिहड़ी गोट पॉक्स वैक्सीन है बकरियां जिहड़ी यूज की जाती सी उहदी अहीं 3 गुणा डोज दे के कोशिश कर रहे हैं और वैक्सीन की बहुत कमी है। सिर्फ इंडिया च 2 कंपनियां, एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स एक हेस्टर कंपनी। सो एकदम डिमांड बढ़ गई है, हौली हौली सरकार पूरा सानूं सहयोग कर रही है, फंड जारी हो रहे हैं। मीटिंग भी हुई है उन्होंने, आप सारा ध्यान दिया मेरे अपने जिले के अफसर ने नोटिस भी दिया था। साढ़े को लगभग कोई 40-50 केस ही फिलहाल ये नोट हुए हैं, बाकी एडा कोई साडा भयानक जिहा सिम्पटम नहीं आया। जिहड़े होर भी आ उहनां दी भी रिकवरी शुरू हो गई है और साडे एरिए च एक भी मोर्टैलिटी नहीं हुई, किसी एक भी पशु की मौत साडे नोटिस नहीं है। ठीक है सर, ते अपने हॉस्पिटल दे विच की साडे कोल साधन पूरे है कि जिहड़ी बीमारी तेजी नाल फैलदी आ कि असीं इहते रोक ला सकदे आ, साडे कोल सिद्धे चीजां पूरियां है उहदे लई बीमारी नाल लड़न। देखो जी कल साडी डीसी साहब ने मीटिंग हुई है, उन्होंने यही दसिया भी जल्दी तो जल्दी मेडिसिन की जी खरीद की जाए, कमेटी बन गई है अकॉर्डिंगली, जिदा भी सरकार वधिया हदायत हुई जिदा भी फंड जारी हुए आप समर्थ है पूरे, साडी टीम पूरा काम कर रही, पिंड जा रहे, वैक्सीनेशन हो रही है, पूरा सर्विलेंस चल रही साडी। उन्होंने अपील यही है भी जिहड़े एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह नाल काम करन, कई बार ठीक है मजबूरी होंदी है भी दो दराडे लोग बैठे आ, लोग भी उन्होंने कोई हैल्प ले लेंदे आ, पर उन्होंने फर्ज बनता भी पढ़े लिखे जिहड़ा ग्रैजुएट घट्टो घट्ट डॉक्टर दे नाल उन्हां दी सलाह नाल गल की जाए, एवं बे क्योंकि वायरल बीमारी है किसी एंटीबायोटिक का असर तो होना नहीं, तो एवं बेमतलब भी आप जल्दी ठीक कर देंगे, जल्दी ठीक कर देंगे, एंटीबायोटिक्स का दवाइया का बोझ पा देंगे और उस बोझ नाल पशुओं का लिवर खराब हो सकता, उहदे नाल मोर्टैलिटी हो सकती है, बीमारी नाल मोर्टैलिटी मेरे हिसाब नाल नहीं हो सकती। हाँ जी गल घोटू की सर साढ़े को मेरे दसूए 71,000 सानू डोज आई है, तो 71,000 के आप लगभग कोई 65,000-66,000 साड़ी डोज लगी है, तो वह भी साढ़े कुछ मुलाजमान की हड़ताल करके थोड़ा जहाँ पेंडिंग हो गया, पर अभी कमेटियां टीम गठित करती हैं, वो 5,000 की डोज मेरे ख्याल से विदिन 1 वीक भी सारी पूरी हो जाएगी 100%। मैं तो यही कहूंगा भी देखो एक तो किसानी पहला ही घाटे जा रही है, एक बेमतलब आप दवाइया पावे तो एनिमल से जिते स्ट्रैस पेगी उत्थे आपां भी नुकसान होगा, आप देखो इकनोमिक्स भी देखनी है, घाटा वाधा भी देखना है, दूजा देखो इदा का संकट आ गया, रब ना करे बीमारी होर फैल गई जे तो दवाइया कितों आनगियां, अज किसी मैडिकल स्टोर तो दवाइया नहीं मिल रही। सो डॉक्टर की सलाह नाल ही सारा काम किया जाना चाहिए।